सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो है आप किस तरीके से जो है फ्लिपकार्ट से लोन कैसे लिया जाता है, फ्लिपकार्ट से लोन कैसे ले सकते हो, पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट में आप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को जो है लाइक कर देना। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से शॉपिंग वगैरह इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, चौथे वाले। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैश लोन अप टू 10 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको कैश लोन पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपसे जो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इस तरीके से क्रेडिट स्कोर कंटिन्यू शॉपिंग लिखा हुआ, यहाँ पर थैंक यू फॉर योर इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको पैन कार्ड नंबर मांगेगा, पैन कार्ड नंबर डाल देना, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि अभी मेरे पैन कार्ड पर कोई भी लोन वगैरह हमने नहीं लिया, इसलिए आप आ रहा है। यहाँ पर आपको जो है अपनी स्कोर चेक करनी पड़ेगी क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट स्कोर चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्रेडिट स्कोर चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। हम चेक क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर लगा देंगे, अदर फ़ोन नंबर भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके स्कोर चेक हो जाएगा। यानी कि अगर आपने पैन कार्ड से कोई लोन ले रखा है पहले, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोन ले सकते हो मोबाइल में। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।